तो हमारा जो माइनक्राफ्ट है ना, इसके अंदर काफी सारी मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं, और इनमें से सबसे बड़ी मिस्ट्री निकल के आती है हमारे स्ट्रक्चर्स को लेके, कि आखिर इन्हें किसने बनाया है। और हमें फाइनली इन चीजों का आंसर मिल भी जाता है इनके सीक्रेट रूम्स को देखने के बाद। लेकिन ये सीक्रेट रूम्स कुछ ही वर्ल्ड के सीड्स में मिल पाते हैं, और हर सीड के अंदर जरूरी नहीं है कि ये सीक्रेट रूम्स आपको मिल जाएं। और यही वो बात है कि नॉर्मल प्लेयर जो है इन सीक्रेट रूम्स को नहीं ढूंढ पाते हैं, क्योंकि इन्हें ढूंढने के चांसेस इतने कम होते हैं और सिर्फ 0.001% लोग ही इन्हें ढूंढ पाते हैं। जैसे आपने कभी सोचा है कि आपको डेजर्ट टेम्पल में इस जगह पर भी एक चेस्ट मिल सकती है, और डंजन स्पॉनर के भी ठीक नीचे एक लूट मिल सकती है, और ये सब तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि एंड डायमेंशन के अंदर ना एक ऐसा बटन, एक ऐसा स्विच रखा होता है जिसे दबाते ही हमारे एंडर ड्रैगन का खेल खत्म हो सकता है। तो हाँ, मेक श्योर आप इस वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखो, क्योंकि इन सारे माइनक्राफ्ट सीड्स को मैं 10K लाइक्स के बाद अपने पिंड कमेंट के अंदर रिवील कर दूंगा। तो इस वीडियो को अभी कभी लाइक करो, और अपने दोस्तों से भी कहना कि इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे और रेयर सीक्रेट रूम्स वाली वीडियो मिस ना हो जाए तो फिर अभी कभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम ऐसा कॉन्टेंट आपके लिए डेली बेसिस पे लाते रहते हैं। सो यार, अब बिना किसी देरी के आज की वीडियो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को थोड़ी सी नॉर्मल स्टार्ट देते हैं। तो यहाँ पर हमारा बंदा आता है एक विलेज के अंदर, जो कि एक डेजर्ट विलेज है, एंड इसे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिलता है। अब उसे क्या मिलता है देखते जाओ। ओके, तो यहाँ पर आगे चल रहा है, एंड से यहाँ पर कुछ ना कुछ तो सैंड के अंदर अजीब सा दिखा, और तुम लोग को भी नोटिस हो गया होगा अभी तक कि यहाँ पर एक तरफ सैंड है, एक तरफ सैंडस्टोन, लेकिन ऐसा जो है नॉर्मली नहीं होता है। तो अब ये बंदा यहाँ पे खोद के देखता है, एंड देखना इसे क्या मिलता है यहाँ पर। ओके, इसे देखना तुम लोग बहुत ज़्यादा हैरान होने वाले हो, तो देखते रहो। एंड ये देखो, इसे मिल चुका है एक डेजर्ट पिरामिड। ऑलराइट, तो ये यहाँ पे खोद के जाता है, जल्दी ऊपर चलना भाई, क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर दिखाता है कि यहाँ पर विलेज के बीचों बीच एक डेजर्ट पिरामिड गड़ा हुआ है, एंड बाकी अब ये जो यहाँ का विलेज का एंट्रेंस ढूंढता है, क्योंकि एंट्रेंस है यहाँ पर, और एंट्रेंस के बाद अभी इसने एक ट्रिक निकाली है जो कि मोस्टली हर डेजर्ट पिरामिड के अंदर वर्क कर लेती है। तो तुम लोग को इस वाले पिलर को खोदना है, बस एक ही पिलर के नीचे मिलेगा, तो बेसिकली इसे टॉप लेफ्ट वाले को खोदना है, और तुम लोग को ये सारी लूट मिल सकती है। एंड हाँ, नीचे भी लूट रखी हुई है, ये अभी नया नया इसने सीड लगाया था, और ये वाली लूट जो है मिलती है, लेकिन काफ़ी लोग जो है इसे मिस कर देते हैं। तो अभी मैं चेक करता हूँ कि आखिर एक्चुअली मिलती है या फिर नहीं। ओके, तो अभी हम लोग को थोड़ी देर में पता चलने वाला है कि आखिर वो जो उसने दिखाया वो सच था या फिर नहीं। तो हम लोग आ चुके हैं उसी विलेज के अंदर, एंड ये जो है मेरे शेडर्स के ज़्यादा ही ब्राइट लग रहा है। एंड एक मिनट, ओ ये जगह तो पहले से खुद ही पड़ी है, नाइस। तो यहाँ पे आई थिंक थोड़ी बहुत सैंड में चलने की वजह से घिस गई होगी ज़मीन के अंदर। एंड चलो इसके अंदर जाते हैं। एंड या तो यहाँ पर एक्चुअली में एक डेजर्ट है, और तो यहाँ पे एक पिरामिड भी है, एंड आई थिंक यहीं कहीं से उसने किया था ना ये। ओके, तो ये रही मेरे पिकैक्स, और यहाँ पर मैं एक एक करके माइन करता हूँ। तो ओके, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब बस इसी पिलर के नीचे है वो। ओके, एंड या ये एक्चुअली में ट्रू है, तो मतलब या इसके नीचे सही में एक चेस्ट मिलती है हम लोग को। एंड इसके अंदर देखते हैं, और इसके अंदर लूट भी बहुत बढ़िया है। सही में भाई, इस लूट को देख के मेरा दिल खुश हो चुका है। मेरे पास बूट्स वगैरह भी आ चुके हैं, डायमंड्स भी आ चुके हैं, लेट्स गो भाई, अब मैं यहाँ से निकल भी सकता हूँ, लेट्स गो। तो अब हमारा बंदा आ चुका है एक और विलेज के अंदर, और मेरे को सही में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब ये विलेज के अंदर के सीक्रेट रूम्स बताता है हम लोग को, क्योंकि विलेज एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग जो है काफ़ी बार जा चुके हैं, लेकिन वहाँ के सीक्रेट रूम्स को हम लोगों ने जो है कभी भी ऐसे नोटिस नहीं किया। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर आया है, एंड ये नॉर्मल सी जगह लग रही है। ओके, तो हाँ यहाँ पर एक बेसिकली सीक्रेट रूम है, तुम लोग को याद रखना है यहाँ पर तीन कॉल्ड्रॉन्स रखे होंगे। अगर तुम्हारे भी एक विलेज के अंदर ऐसे तीन कॉल्ड्रॉन्स रखे हुए हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर भी एक सीक्रेट रूम हो। तो यहाँ पर बेसिकली ओके क्या कर रहा है, ओके दोबारा से दिखा रहा है। एंड यहाँ पर एक स्मूथ स्टोन स्लैब होगा जिसे तुम लोग को तोड़ना है, एंड यहाँ पर एक सीक्रेट रूम होने वाला है बिना लैडर के, तो बच के रहना है यहाँ पर, ऐसे कूद मत जाना। एंड यहाँ पर मेरे को आयरन गोलम दिख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे आयरन गोलम हैं। ओके, तो अब इससे एक हमारी मिस्ट्री क्लियर होती है कि हमारे विलेजर्स आखिर आयरन गोलम्स कहाँ से लाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस है, इन पूरे आयरन गोलम से भरा हुआ है, एंड यहीं से आयरन गोलम ऐसे समन होते हैं। इस चीज़ को तो एक बार मेरे को ट्राई करना पड़ेगा खुद। सो अब हम लोग आ चुके हैं उसी सीड के अंदर, उसी वर्ल्ड के अंदर, उसी विलेज के अंदर। तो हम लोग को देखना है कि आखिर जो हमारे आयरन गोलम्स होते हैं, सही में एक उनके लिए बेसमेंट बना रखा है हमारे विलेज के अंदर या फिर नहीं। तो यहाँ पर एक विलेजर अंदर गया, इसे जल्दी से मारता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे चेस्ट में देखते हैं क्या है, वो सेम लूट है, नाइस। एंड यहाँ पर वही स्मूथ स्टोन है, सब कुछ अभी तक प्लान के हिसाब से जा रहा है। एंड ओके, नहीं ये सच नहीं हो सकता। ओके, क्या बोलते हो भाई, निकल लूँ क्या यहाँ पे नीचे? ओके रुको, वाटर बकेट करता हूँ मैं यहाँ से। एंड ओके, इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, मैं नूब हूँ। बट यहाँ पर आयरन गोलम तो नहीं है, एंड इल्यूजनर्स। ओके, तुम लोग को पता नहीं होगा, लेकिन इल्यूजनर्स एक ऐसे मॉब हैं जो कि माइनक्राफ्ट में कहीं यूज़ नहीं होते, लेकिन मेरे को आज पता चल गया कि इनका एक्चुअल में यूज़ किया है। ये इन्हें यहाँ पर ऐसे प्रिजनर बना के रखा गया है। एंड मैं एक बार अंदर जाके देखता हूँ, एंड एक मिनट रुको, उससे पहले ये ले। ओ ओके, ओ नो ओ नो ओ नो, ये तो एक साथ चालू हो गए। ओके चलो, इन्हें बताता हूँ मैं, ये ले। ओ ओ
अच्छा तो ये इल्यूजन कर रहे हैं, ओके बेसिकली ये इल्यूजन है, ये एक्चुअली में मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, बट कोई नो नो ओके नाइस, एक दूसरे को मारते रहो। तो इन लोगों ने बेसिकली शैडो क्लोन किया। अभी रुको रुको, मैं अपने साथ एक इंजेंटेड गोल्डन एप्पल लाया था, इसे जल्दी से मैं खा लेता हूँ। एंड बेसिकली तुम लोग को लग रहा होगा बहुत सारे इल्यूजन हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये असल में नहीं के क्लोन्स हैं। एंड इनमें से ओरिजिनल वाले कहाँ हैं? ओके जो यहाँ पर बाहर ही खड़े होंगे वो ओरिजिनल वाले होंगे। रुके अंदर जाके मारता हूँ मैं सीधे। ओके ये ले नाइस नाइस, ये ले ये ले ये ले, और ये अपने और इल्यूजन बुला रहे हैं, लेकिन मेरे पर कोई असर नहीं होने वाला इनका। मेरे को समझ में नहीं आ रहा इनमें से असली वाला कौन सा है। ओके एक बचा हुआ है अभी भी, कौन सा है वो, ये है या फिर ये है, दोनों में से। अच्छा ये यहाँ पर है, ओके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पर। 3+B हिट बॉक्सेस ये रहे शायद से, ओ मार दिया मैंने फाइनली, हिट बॉक्सेस बंद कर देता हूँ मैं। वेल यहाँ पर मैं जो ढूंढने आया तो वो तो मेरे को नहीं मिला, लेकिन जो मिला वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इसलिए हम लोग जो है अगले सीक्रेट रूम को तलाश में निकल जाते हैं। तो अब हमारा बंदा आ चुका है जंगल के अंदर, एंड जंगल के अंदर एक पिरामिड मिलता है बेसिकली, इसे कहते हैं जंगल टेम्पल। एंड इसके अंदर भी ना बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। तो बेसिकली अभी ये जो है अंदर जाने वाले डेजर्ट हमारे कहाँ गया, ओके यही है टेम्पल। तो अभी इसके अंदर जाएगा और तुम लोग काफ़ी सारे सीक्रेट रूम्स दिखाने वाला है। तो बेसिकली इस टेम्पल के अराउंड भी बहुत सारी मिस्ट्रीज, आखिर इसे किसने बनाया, तो अंदर हम एक बार जाते हैं। एंड ओके यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स की आवाज़ आ रही है, क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं जाती है और इसलिए बहुत सारे मॉब्स समन हो जाते हैं। और रेड तो ऊपर वाले फ्लोर पे तो कुछ भी नहीं था, लेकिन नीचे अंडरग्राउंड वाले फ्लोर के अंदर बहुत सारे ऐसे मॉब्स समन हो जाते हैं। ओके तो इसने टॉर्च निकाल लिया फाइनली, एंड यहाँ पर स्केलेटन भी है। एंड हाँ यहाँ पर ट्रिप वायर लगी होती तो इससे बच के रहना, नहीं तो तुम लोग को एरोस लग सकते हैं। एंड यहाँ पर एक और ट्रिप वायर लगी होती है तो इससे बच के रहना। ओके इसके पास जाओगे तो बिल्कुल ऐसे एरो शूट हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर। ओके तो अभी इधर जा रहा है, इन सब के बारे में भी आई थिंक कॉमनली लोगों को पता होता है। एंड यहाँ पर कुछ लीवर्स हैं जिसे ऑन करने के बाद कुछ पिस्टन अनलॉक होते हैं। एंड अभी ये देख रहा है कि आखिर इन पिस्टन की आवाज़ कहाँ से आई। और राइट इसे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, अजीब बात है, पता नहीं कहाँ से आवाज़ आई है। और राइट तो इन्हें ये बंद करने की कोशिश कर रहा है एक बार, एंड फिर से कुछ आवाज़ आई। ओके तो शायद से ऊपर वाले फ्लोर में कुछ हुआ हो, बट ऊपर वाले फ्लोर में भी आवाज़ नहीं आई। तो अभी क्या करने वाला है यहाँ पर? ओके तो इन सबको ये बंद कर रहा है। एंड व्हाट, ये तब से फिर पिस्टन्स के साथ क्यों खेल रहा था यहाँ पर? तो ओके तो इसे पहले से सीक्रेट रूम्स के बारे में पता था, ये हमारे साथ मजे कर रहा था। एंड यहाँ पर एक पूरा लावा का बना हुआ एक, क्या है ये, पार्कोर कोर्स है क्या? और इसके अंदर लावा में गए तो गए। ओह ये बंदा, इसने दिखा दिया आखिर कितना ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि चेन्स के ऊपर पार्कोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है सही में। एंड या इसे मैं बिल्कुल भी ऐसे ट्राई नहीं करना चाहूँगा, लेकिन चलो इसकी चेस्ट खोल के देखते हैं। एंड इसके अंदर चेन मेल और आयरन का आर्मर रखा हुआ है, और एक स्केलेटन स्कल भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। वेल काफ़ी ज़्यादा मस्त लूट है ये, मतलब उतनी भी नहीं, लेकिन अगर तुम लोगों का नया नया वर्ल्ड है तो फिर काफ़ी ज़्यादा काम में आ सकती है सारी लूट। तो इसे एक बार हम लोग जो है ट्राई करके देखते हैं कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है फिर नहीं। सो मैं आ चुका हूँ उसी जंगल टेम्पल के अंदर, एंड देखते हैं यहाँ पर जो मेज़ वाला जो चेस्ट है स्पेशल वाला वो एक्चुअली में है या फिर नहीं। तो ओके अंदर आते हूँ मैं जल्दी से। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है और यहाँ पे इसलिए मॉब्स भी समन होते रहते हैं। तो ओके ओके मैंने गलती यहाँ पे कॉन्ट्रैप्शन कर दिया था, लेकिन मैं बच गया। एंड यहाँ पर चेस्ट के अंदर रॉटन फ्लैश पड़ा हुआ है, थोड़े बैम्बू पड़े हुए हैं और थोड़े से आयरन गट भी, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं थोड़े और चीज़ को देखने आया हूँ यहाँ पर। ओके सबसे पहले मेरे को देखना है कि आखिर इनसे होता क्या है। चलो इन्हें छोड़ देते हैं यहाँ पर, एंड ये देखते हैं। एंड वो देखो, ये तो एक्चुअली में यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ओ नो, यहाँ पे तो एक्चुअल लावा है। तो मेरे पास एक प्लान है, मैं पार्कोर तो कर नहीं सकता क्योंकि मैं नूब हूँ, आई एम नूब। फिर मैं काम करता हूँ जल्दी से, यहाँ पर बहुत सारा ऐसे कॉबलस्टोन इकट्ठा करता हूँ और इसे तोड़ो जल्दी से। ओके भाई ये तो एक्चुअल में रियल है, ये तो सही में। वेल ये इतना भी बुरा नहीं देखा जाए तो। चलो इसे तोड़ो जल्दी से। एंड वेल फालतू में रिस्क लेना भी नहीं चाहिए। ये लो भाई चलो ऐसे चलते हैं, नहीं तो मेरा सर्वाइवल चला जाएगा। देखते हैं इसकी लूट आखिर वर्थ इट है या फिर नहीं। एंड ओके एंड इसके अंदर नॉर्मल वही सब जो उसको मिला तो वही सेम टू सेम मेरे को भी मिला है। एंड चलो इस आर्मर को पहन लेता हूँ मैं जल्दी से। एंड चलो जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि मैं ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारा लावा है। सो या मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सीक्रेट रूम। ओके तो अब टाइम आ चुका हमारे नेदर स्ट्रक्चर्स को भी सीक्रेट रूम्स निकालने का। तो नेदर के अंदर ज़्यादा सीक्रेट रूम्स नहीं है, क्योंकि मोस्टली पूरा नेदर तो एक्सपोज रहता है, यहाँ पे हर तरफ लावा ही बहता रहता है, यहाँ पर कहाँ ही सीक्रेट रूम बना लोगे। बट यहाँ पर एक लावा ब्लॉक था। एंड वो इसके नीचे एक इंचैंटिंग रूम है, वो इनके चेस्ट के अंदर भी कुछ रखा हुआ है गैस। इनके अंदर भी बहुत बढ़िया लूट मिल सकती है हम लोग को, एक बार दिखा। वो ये चेस्ट खाली है, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ये जगह काफ़ी ज़रा अच्छी है। अगर तुम लोग को तुम्हारे ऊपर बहुत सारे मॉब्स एक साथ अटैक करें तो यहाँ पे तुम आगे छुप सकते हो। और राइट तो हम आ चुके हैं नेदर के अंदर। अब हम लोग को जल्दी से वहाँ पे कोई ऐसे पॉन ढूंढना है जहाँ पे हमें मिल सके। वेल वो जो सीड उसने बताया था वो एक्चुअली 1.14 में है, एंड मैं यहाँ पे आ चुका हूँ 1.19 के अंदर।
तो फिर मुझे नहीं लगता मेरे को आराम से वो मिलने आला है, बट कोई नहीं, और थोड़ी बार देखने की कोशिश करता हूँ मैं। ऑलराइट, यहाँ पर तो मेरे को दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है, चलो नीचे जाके देखता हूँ और शायद से हमें वहां पर कुछ ना कुछ मिल जाए। आर यू सीरियस? ओके मिल गया मिल गया मिल गया मेरे को फाइनली, जल्दी से यहाँ पर कुछ ले लेते हैं। ओके अंदर चलते हैं यहाँ पर जल्दी से। ओके थोड़ा और ले लेते हैं एंड ये ले। ओके एक लावा सोर्स तो मैंने बंद कर दिया एटलीस्ट, एंड ओ नीचे तो और लावा है, बट व्हाट? ओके नीचे नीचे बचो। ओके फाइनली बच गया बच गया बच गया, बस ये हेल्थ जानी कम हो जाए। ओके ओके और मैं मर गया, वाओ। बट तुम लोग ने देखा कि आखिर उसमें नीचे कुछ भी नहीं था, तो हो सकता है वर्जन की भी दिक्कत हो, या फिर हो सकता है कि सही में नीचे कुछ भी ना हो, ये पूरी चीज़ एक मिथ थी। तो चलो कोई नहीं, इसे हमने बस्ट कर दिया। अब हम लोग चलते हैं अगले सीक्रेट रूम की तरफ। तो अब टाइम है हमारा विच हट के अंदर जाने का, और हम लोग आ चुके हैं स्वैम्प के अंदर। एंड यहाँ पर बहुत सारे मॉब समन होते हैं और स्लाइम्स भी बहुत ज़्यादा समन होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं खेलने के टाइम पे। ओके यहाँ पे एक विच भी है, तो इसे मारते हैं जल्दी से। एंड यहाँ पर अभी ये कुछ ट्राई करने वाला है गैस। ओके तो ये अंदर घुस चुका है हटके, एंड यहाँ पर कुछ भी नहीं है सही में। ओके ये सुन तो पागल बना दी भाई। ओके एक्चुअली में कुछ है, एंड यहाँ पर ऑब्सीडियंस। ओके यहाँ पे ऑब्सीडियन है और थोड़ा बहुत टेरा कोटा है, और यहाँ पे बहुत सारा पानी लीक हो रहा है, तो ओके ये बंद कर रहा है जल्दी से यहाँ पर। ऑलराइट ओके इस जगह को पूरा सील करना पड़ेगा, नहीं तो पानी पानी भर जाएगा हमारे स्ट्रक्चर सीक्रेट रूम के अंदर भी। ओके मैं देखना चाहता हूँ आखिर इसमें मिल क्या सकता है हमें, क्योंकि विच हट को जो है बहुत लोग ऐसे इग्नोर करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे प्रिजर्विंग ब्लॉक्स हैं और एक इंचेंटिंग टेबल भी, और यहाँ पे चार केजेस भी बन रखे हैं। सो, यहाँ पर एक आयरन गोलम है, एक विलेजर है, और एक विंडिकेटर है, और एक लास्ट वाला आई गेस खाली है। ओके ये काफ़ी ज़रा अजीब जगह है, एंड पता नहीं किस चीज़ की बनी हुई है यहाँ पर। ओके तो यहाँ पे इन सारे मॉब्स को जो है कैद करके रखा गया है, आई थिंक इनके ऊपर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तो ये विच के बारे में हमें काफ़ी चीज़ें बताता है। एंड ये क्या चीज़ है, व्हाट, ये बंदा हवा में कैसे उड़ पा रहा है? ओके तो ये मुझे लग रहा है इसके नीचे भी कुछ बैरियर वगैरह लग रखे हैं, और बैरियर जो है नॉर्मल माइनक्राफ्ट में नहीं है। इस चीज़ को एक बार मैं देखना पड़ेगा, ये चीज़ मुझे नहीं लग रहा सही है। ओके तो मैं आ चुका हूँ मैं स्वॉम्प के अंदर, यहाँ पे देखने की आखिर स्वॉम्प हट के नीचे हमें जो चाहिए वो मिलने वाला है या फिर नहीं। वेल अगर वो मेरे को मिल गया तो एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हो जाएगी। ओके चलो यहाँ पे अंदर चलते हैं, और वो रहा हमारा स्वॉम्प हट, यहाँ पे विच भी मेरे को मिल सकते, तो उससे बच के रहना पड़ेगा। ओके यहाँ पे एक विच की जो है कैट भी है, लेकिन उससे बच के। ओके ये एक विच, बस मेरे ऊपर पोशन ना फेंके तो ठीक रहेगा, एंड इसने मेरे को पॉइजन दे दिया, वाह। और राइट एक काम करते हैं जल्दी से यहाँ पर आ जाते हैं, एंड ये जगह थोड़ी सी अलग है क्योंकि वर्जन अलग है। चलो इसे जल्दी से यहाँ पे तोड़ते हैं एंड देखते हैं आखिर हमें नीचे कुछ मिलता है या फिर नहीं। ओके अब मैं सीधे स्ट्रेट अप डिगिंग करने वाला हूँ यहाँ पर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो है ये भी फॉल्स होने वाला है। नहीं मैं बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका हूँ और मेरे को अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, मेरे साथ दो बारी लगातार स्कैम हो चुका है सही में। ओके तो अब टाइम आ चुका है हमारे डंजन को एक्सप्लोर करने का, और मुझे लगता है डंजन एक ऐसी जगह है जिसके बारे में हम लोग को बिल्कुल भी नहीं पता है। वहाँ पर स्पॉनर मिलते हैं इतना हम लोग को पता है, लेकिन डंजन की लूट जो है बहुत ज़्यादा बेसिक होती है, उसमें ज़्यादा कुछ ढंग का मिलता नहीं है। तो यहाँ पे दो दो चेस्ट हैं, ये भी बेकार ही मिलेंगी मुझे पता है। एनीवेज यहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन समय हो रहे हैं, क्योंकि स्केलेटन स्पॉनर लगा हुआ है यहाँ पर। और तो देखते हैं अभी कौन सा सीक्रेट रूम ढूंढने वाला है। ओके तो इसके बिल्कुल नीचे जा रहा है, और इसने ऊपर का रास्ता जो है सील कर दिया ताकि स्केलेटन ना आ सके, एंड ये और नीचे खोद के देख रहा है। एंड तो इसे बेसिकली काफ़ी सारे चेन मेल और आयरन का आर्मर मिल चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी लूट हो सकती है अगर तुम लोग को ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन ना हो। लेकिन तो अगर देखा जाए तो ये लूट जो है एवरेज है, लेकिन इसे मैं फिर भी एक बार ट्राई करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है फेक है। ओके तो मैं आ चुका हूँ इस बैग केव के अंदर, एंड लेट्स सी यहाँ पर आई थिंक पास ही में एक डंजन है, वो देखो वहाँ पे स्केलेटन आ रखे हैं बहुत सारे। मार मार मार, ओके मार 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 इसे मार। ओके चलो ठीक है नाइस, इन्हें ऐसे मैंने पागल बनाया। एंड अब यहाँ पे मैं जो है जल्दी देखता हूँ यहाँ पे लूट में क्या है। ओके चलो जल्दी से स्पॉनर को तोड़ देते हैं यहाँ पर, नाइस यही करना था मेरे को। अब बाकी इनकी लूट भी पूरी हथियार लेता हूँ मैं। एंड यहाँ पे मेरे को एक नेम टैग मिल चुका है, एक बकेट भी, लेकिन हम इस चीज़ के लिए यहाँ पे नहीं है। ओ नाइस एक गोल्डन एप्पल भी मेरे को मिल चुका है, एंड आई थिंक स्पॉनर यहीं कहीं पर था, तो यहीं से हम जो है डिगिंग करना हमारी चालू करते हैं एंड देखते हैं आखिर। ओके मेरे को मिल चुका है एक और चेस्ट, तो यार ये चीज़ बिल्कुल सच्ची थी, लेकिन इसके अंदर कुछ ज़्यादा खास लूट नहीं मिली मतलब मेरे स्टैंडर्ड से। चलो इसे भी जल्दी से माइन कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या इसके नीचे भी कुछ मिलने वाला है। वेल मेरे को भरोसा तो नहीं, ओ नो नो नो, भागो भागो भागो, इतना भी लालची नहीं होना चाहिए। ओके तो अब हमारा बंदा आ चुका है यहाँ पे बरी ट्रेजर मैप लेके, और बरी ट्रेजर को लेके भी काफ़ी सारी मिस्ट्रीज हैं। तो ये सबसे पहले हमारा बरी ट्रेजर को ढूंढ रहा है, जो कि इसे यहीं कहीं मिलने वाला है, और बरी ट्रेजर को ढूंढना है बहुत ज़्यादा दिक्कत की चीज़ होती है। मैंने भी ढूंढने काफ़ी सारी कोशिश की है, और मेरे को हमेशा मैं फेल ही हो जाता था, मेरे को मिलता ही नहीं था कभी वो सही से।
बट ओके यहाँ पर ब्लॉक्स खोद रहा है एंड मुझे लग रहा है इसे जल्दी ही मिलने वाला है वो। ओके तो अपनी लोकेशन बदल के खोद रहा है एंड इसे आते यहाँ पर अब चेस्ट मिल गया। तो इसमें काफ़ी सारी बढ़िया लूट है, गोल्ड भी है एंड TNT और डायमंड्स भी हैं और एक हार्ट ऑफ द सी भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर चीज़ है। और राइट तो ये तो सबको मिल जाता है बट ओके तो इसके नीचे और इसके नीचे एक और चेस्ट होती है एंड इसके अंदर में और थोड़े बहुत डायमंड का आर्मर वगैरह मिला है। ओके तो तुम लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूँ एक आइलैंड के ऊपर और यहीं पे हमें हमारा बड़ी ट्रेजर मिलने वाला है। तो यहाँ मैंने मैप को देख लिया और मेरे हिसाब से वो यहीं कहीं पे होने वाला है। मैं काम करता हूँ जल्दी से यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत खोदना चालू कर देता हूँ। ओके यहाँ पे थोड़ा हम TNT का भी यूज़ कर सकते हैं बट ज़्यादा नहीं। ऑलराइट ओके ओके तो या हमें हमारा ट्रेजर मैप मिल चुका था एंड इसके अंदर भाई देखा जाए तो काफ़ी सारे डिसेंट लूट निकली हुई है एंड आई गेस। तो यार ये तो था हमारा पहला ट्रेजर मैप, लेकिन अगर हम लोग को और ऐसे ट्रेजर चाहिए तो फिर हम एक काम करते हैं यहाँ पे और थोड़ा बहुत TNT डाल देते हैं एंड अब अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत और लूट मिली तो मतलब हमें हमारा ट्रेजर मैप मिल चुका था। ओके चलो, अरे स्टीम क्यों खुल जाता है भाई बार बार। चलो एंड यहाँ पर मेरे को पानी के अंदर थोड़े और गोल्डन एप्पल दिख रहे हैं एंड यहाँ पे अगर एक चेस्ट भी पड़ी हुई तो मतलब एक और ऑलराइट यहाँ पे डायमंड्स भी पड़े हुए हैं। देखते हैं यहाँ पर अंदर, ओ एक चेस्ट भी तैर रही है, मतलब एक और चेस्ट थी यहाँ पर। तो भाई ये वाला हमारा सीक्रेट रूम भी हो गया कन्फर्म्ड। नाइस, सब तक तो सब कुछ सही जा रहा है। ओके तो फिर से एक और बार विलेज का एक सीक्रेट रूम। मुझे नहीं पता इस विलेज के अंदर कितने सारे सीक्रेट रूम्स हैं। तो यहाँ पर इस बार भी मेरे को सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, विलेज के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिस सस्पिशियस हो। बट ओके ओके घर के अंदर देख रहा है, मुझे लगा था इसी के अंदर कुछ है लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हेबेल रखी हुई हैं एंड ये इनसे तोड़ रहा है पता नहीं क्यों। ऑलराइट तो ओके ये नहीं मुझे नहीं पता था इसके हेबेल्स के नीचे तक सीक्रेट रूम छुपा के रखते हैं विलेजर्स। सही में इस वीडियो को देखने वाले विलेजर्स तक अपना लोकेशन बदलने वाले हैं एंड यहाँ पर बहुत सारे एमरल्ड ब्लॉक्स हैं। अच्छा तो विलेजर जो है ट्रेड करके अपना सारा एमरल्ड यहीं पर छुपाते हैं। तो ओके इस चीज़ को एक बार ट्राई करके देखता हूँ मैं। ओके तो हम लोग आ चुके हैं उसी एसेसिया विलेज के अंदर जहाँ पे हमें लास्ट वाला मिथ मिला था। तो अब चलो जल्दी से यहाँ पे हमारा रेयरेस्ट रूम ढूंढते हैं। तो यार मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ हमारे हो, तो इससे जो है सबसे ज़्यादा तेज़ हम हेबेल को माइन कर सकते हैं। तो यार ये एक प्रोटेप होगी तुम लोग के लिए, तो इसे मैं जल्दी से माइन कर देता हूँ यहाँ पर। एंड यहाँ पे एक लास्ट वाला ये बच रखा है तो एक बार इसे चेक करते हैं। एंड यार पता चल गया मेरे को तुम लोग यहाँ पे क्या क्या छुपाते हो एंड मुझे लग रहा है दोबारा से वही नहीं होना चाहिए। वेल एटलीस्ट मेरे को काफ़ी सारे हेबेल तो मिल चुके हैं एंड मेरे को लग रहा है वही सिंपल सी चेस्ट और बेड होने वाला है यार। यहाँ पे थोड़े बहुत हेबेल गिरे भी हुए हैं एंड या ये वही सिंपल सा चेस्ट और इस बार इसमें 5 ओक भी है। नाइस, लेकिन मेरे को ये नहीं चाहिए था, मेरे को तो अच्छा वाला चाहिए था बट कोई दिक्कत नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं आज की वीडियो में कुछ ज़्यादा ही स्कैम हो रहा हूँ। ओके तो अब हमारा बंदा आ चुका है एंड के अंदर और एंड के अंदर इसे एंडर ड्रैगन दिख रहा है। तो इसे एंडर ड्रैगन को हराना है, लेकिन यहाँ पर इसने एक सीक्रेट चीज़ दिखाई है। मतलब बेसिकली हमारे एंड डायमेंशन के अंदर एक पिलर जो सबसे बड़ा पिलर है ना उसके अंदर एक बटन होता है जिसे दबाने के बाद हमारा एंडर ड्रैगन जो है हार जाता है तुरंत। तो मैं तो इस चीज़ में बिल्कुल नहीं मानता, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी मोजैंग खुद देंगे गेम के अंदर। तो ये भी सबसे ऊंचा यहाँ पे पिलेजर ढूंढ रहा है, वो पिलर ढूंढ रहा है और यहाँ पे एक एंडर ड्रैगन है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है ऐसे पास में देखने से। ओके तो ये यहाँ पर खोदना चालू किया है एंड ओके तो इसे यहाँ पर एक इसे एक्चुअली में एक जगह मिल गई। क्या इंस्टेंट किल एंडर ड्रैगन। ओके तो इस ये बटन दबाता है एंड देखते हैं इस एक्चुअली में एंडर ड्रैगन हमारा मरता है या फिर नहीं। भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा इसने कट मारा है एंड यहाँ पर अब हम देख सकते हैं यहाँ पे एंडर ड्रैगन एग है। मुझे लग रहा है फेक है क्योंकि इसने कट मारा था एंड ओके अब ये वापस जा रहा है। मुझे सही में इस वाले सीक्रेट रूम पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। चलो इस पर एक ट्राई करते हैं। ओके तो इस मिथ को चेक करने के लिए मैं आ चुका हूँ सीधे एंड के अंदर और मैं जो है पूरा इंचेंटेड वाला नेदरराइट आर्मर पहन लेता हूँ क्योंकि इसकी मेरे को जरूरत पड़ने वाली है। वैसे यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रा भी है एंड यहाँ मेरे को देखना है कि आखिर ये वाला मिथ एक्चुअली में वर्क करता है फिर नहीं। तो मैं एक बार जल्दी से यहाँ पे उड़ता हूँ एंड यहाँ पर सबसे ऊँचा वाला टावर ढूंढता हूँ जो कि ये रहा। ओके अब इसे जल्दी से शूट कर देता हूँ यहाँ पर एंड ओके थोड़ा डैमेज पड़ा लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा इंचेंटेड गोल्डन एप्पल खा लेते हैं। नाइस, ओके तो इस वाली मैं स्वॉर्ड को पिकैक्स को जो भी है इसे मैंने लिया है अच्छे से कमांड्स का यूज़ करके। तो इसकी मदद से मैं जो है हमारे ऑब्सीडन को बिल्कुल एक नॉर्मल कॉबलस्टोन की स्पीड से काट सकता हूँ क्योंकि मेरे पास में है हेस्ट 20। ओके बोलने भी नहीं दे रहा मेरे को। यहाँ पर एक रूम था है सीक्रेट वाला लेकिन इसके अंदर बहुत सारे पोशंस पड़े हुए हैं एंड आई थिंक ये वाले पोशंस मेरे काम में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो जो बटन नहीं है जिसके मैं यहाँ पर तलाश में आया था। ओके चलो मैं निकल गया यहाँ पर जैसे तैसे अपने आप ग्लिच करके। वेल चलो इस वाले पार्ट को मैं जो है स्किप कर देता हूँ क्योंकि अब हम लोग को जाना है हमारे अगले सीक्रेट रूम को ढूंढने। ओके फिर से एक और विलेज का सीक्रेट रूम और इस बार देखते हैं हम लोग कि आखिर हमारे इस बंदे को कौन सा नया सीक्रेट रूम मिला है। मुझे नहीं पता था विलेज के अंदर इतने सारे सीक्रेट रूम्स होते हैं एंड ऑलराइट क्या ढूंढ रहा है ये।
ओके, तो हम मोस्टली विलेज के सारे के सारे सीक्रेट रूम्स को जो है कवर कर चुके हैं, तो अब आई थिंक इसका और कुछ बचा नहीं है। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर, टाइम वेस्ट कर रहा है ये तो बेसिकली। ओके चल भाई जल्दी सीक्रेट रूम ढूंढना। और राइट तो यहाँ पर ये जा रहा है एंड ओके, तो एक ब्लैक स्मिथ के घर के अंदर जा रहा है, यहाँ पर तलाशी ले रहा है ये। एंड यहाँ पर लावा रखा हुआ है, तो आई गेस ओके, तो इसने लावा को बंद कर दिया यहाँ से। एंड यहाँ पर अभी कॉबल स्टोन को जो है तोड़ रहा है, मुझे नहीं, ओ इसके नीचे एक्चुअल में एक हिडन बेस है भाई। हमारे ब्लैक स्मिथ जो है बहुत ज़्यादा होशियार है कि तो इसने अपने घर के नीचे ऐसे छुपा के रखा था। एंड ये देखो यहाँ पे एमरल्ड्स भी रखे हुए हैं बहुत सारे। एंड ऐसा हमने एक सीक्रेट रूम पहले भी देख रखा है पहले की वीडियो में। एंड यहाँ पे डायमंड ब्लॉक्स भी हैं। ओके तो ये काफ़ी ज़रा अजीब सी जगह है एंड मुझे लग रहा है इसके अंदर बहुत सारी अच्छी लूट भी होने वाली है। ओके इसमें और भी फ्लोर्स हैं और इसमें बहुत सारी चेस्ट रखी हुई हैं भाई साहब। अगर हम लोग जो है नॉर्मल सर्वाइवल में हो ना, तो फिर इस जगह के लिए ना ये जगह हमें बहुत ज़्यादा काम में आ सकती है। तो इसे एक बार मेरे को ट्राई करना पड़ेगा जस्ट इन केस अगर ये फेक निकला तो। ओके तो यही वो विलेज है और यही वो सीड है जहाँ पे हमें मिलने वाला हमारा ब्लैक स्मिथ, और उसी के पास में होने वाला एक बहुत ज़्यादा हिडन सीक्रेट पैसेज जो कि ज़मीन में जाता है उसके सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस को। ओके यही है ना, भगाओ इसे, मेरे को इसके राज क्या है पता चल चुका है। चलो यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉबल स्टोन कलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले इसके लावा को भर देता हूँ। तो दूर रह तेरे को नहीं देखने दूंगा मैं यहाँ पर। ओके चलो इसके घर को जल्दी से हम लूट लेते हैं, देखो यहीं पे आ रहा है वो। ऑलराइट तो यहाँ पर एक सही में हिडन पैसेज है तो। एंड चलो अंदर जाके देखते हैं यहाँ पर आखिर में मेरे को मिलने क्या वाला है। आई होप कुछ तो अच्छा हो, लेकिन मुझे लग रहा है वही बेसिक लूट होने वाली है। एंड यार वही है सेम टू सेम, वेल जैसे उसने बताया था बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन कोई नहीं मैं कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, मैंने और एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कुछ। वेल यार ये था आज के वीडियो के लिए। अगर तुम लोग को और ऐसे रेयर सीक्रेट रूम्स के बारे में वीडियो देखनी है तो फिर लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो, नहीं तो माइनक्राफ्ट मॉब्स के रियल लाइफ इमेज देखने के राइट वाले वीडियो पे क्लिक करना। एंड अगर ऐसी और एक और वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसा डेली कंटेंट आपके लिए डेली बेसिस पे लाता रहता हूं।